यदि आपको भी घुटने की पीछे की नस में या मसल्स में तेज दर्द रहता है और दर्द के कारण आप ठीक से चल नहीं पाते हैं, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम चुटकी बजाते ही घुटने की पीछे की नस में होने वाले दर्द को ठीक करें। मैं योगी ललित बिष्ट स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे आप स्वस्थ होंगे, आप अपना और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो को ध्यान से देखेगा, अंत तक देखेगा और समझने का प्रयास करिएगा, फिर आप भी वीडियो में बताए गए पॉइंट्स को दबाने का प्रयास करिएगा। अगर आपको भी घुटने की पीछे वाली इस नस में या मसल्स में दर्द रहता है और यहाँ पे गांठ बन गई है, सूजन हो गया है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इस दर्द को कैसे हम चुटकी में ठीक करें। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे पूरा सूज रखा है, इस पे यहाँ पे गांठ बन रखी है और यहाँ पे तेज दर्द रहता है जिससे इनका पैर ठीक से चलने में दिक्कत करता है। तो सबसे पहले आपने करना क्या, पैर की जो ये बीच वाली दो उंगलियां है ना, ये बीच की उंगली लास्ट से दूसरे नंबर वाली और तीसरे नंबर वाली, तो इसके बीच वाले पोर पे आपने प्रेशर देना है, हल्का हल्का सा एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाना है ऐसे, ये ठीक है ऐसे। ये देखिएगा यहाँ दबाने से उनके घुटने का पेन रिलीफ हो रहा है और वो देखिएगा उनको तेज दर्द होगा यहाँ पे, ये ठीक है यहाँ पे आपने दबाना है। फिर उसके बाद उंगली को अपनी तरफ खींच लेना है, ऐसे ही आपने दूसरी उंगली में भी करना है ये। ये घुटने का एक्यूप्रेशर पॉइंट है, घुटने में कैसा भी दर्द हो आप ये वाला पॉइंट दबा दें, आपके घुटने का दर्द तुरंत जड़ से खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपने करना क्या है कि ये वाली मसल्स है ना, इसको आपने धीरे से प्रेस करना है, लेकिन हाथ को ऐसे बना दीजिएगा या ऐसे रख दीजिएगा ये, ठीक है ये ऐसे दबाना है, अंदर की तरफ नहीं दबाना आपने, दोनों साइड से ऐसे दबाना है ये ऐसे, ठीक है ये ऐसे दबा देना आपने ये, तो जो यहाँ की गांठ होगी ना वो तुरंत दबाने से ही खुल जाएगी। एक दो बार दबाइएगा आप तो यहाँ का दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा, एक से दो बार दबाने से ही। और उसके बाद आपके घर में कुछ भी हो, तकिया हो, मोटा सा पिल्लो हो या कोई कपड़ा हो, ऐसे रख लें और फिर घुटने को ऐसे प्रेस करेंगे ये। ऐसे करने से घुटना तुरंत ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये वीडियो जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा आप अपना और अपनी सेहत का ख्याल। जय हिंद, जय भारत।